हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जैनवासी। देखिए, अभी ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना कारण है कि मुझे कोई तुम लोगों से कोई काम वाम के लिए वीडियो नहीं बना रही। आज किसी ने गलती की। देखो, मैं है ना, कोई ये यूट्यूब चला के कोई धंधा नहीं चलाती। बहुत सारे यूट्यूब चलाते हैं, सब बड़े बड़े बाबा लोग चलाते हैं, तो कोई किसी को पूछने नहीं जाता है। विद्या देवी चलाती तो आते हैं पूछने के लिए। आज एक गुजरात का, मैं गुजरात की बहुत इज्जत करती हूँ, ये बात है पक्की, लेकिन कभी किसी की बेइज्जती नहीं की है। मैंने कभी भी किसी के पूजा पाठ की भी बेइज्जती नहीं की है। मेरा सीधा सीधा फंडा है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मारण मोहन वशीकरण, मारण काम मेरे लिए बहुत ईजी है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो लोग हंसते हैं कि माँ आपके लिए तो बहुत ईजी काम है। ये जो मुझे कहते हैं ना सब लोग ने, मैंने मसान शक्ति सिद्ध की है। रुक, तेरे को बताता हूँ। अरे, तुमने मसान शक्ति सिद्ध की है, मैं मसान जगह ना जानती हूँ। और मैंने भी हाजिता को भी बताया है कि आज दोपहर में सुबह ऐसा हुआ कि मैं कल, मुझे गुरु पूर्णिमा का सबको गुरु मंत्र देना है। मैं गई थी सामान लाने गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि कल स्नेहा आने वाली है, सुनीता आने वाली, सब लोग आएंगे, तो कल हम लोग, मैं सामान अरेंज करने गई थी। क्योंकि कल मेरे केशव के पापा को भी, मेरे बच्चों को, सब लोग का काम होना है इधर। कल सुहागने खाना खाएंगी, सुहागनों को ओटी भरने के लिए साड़ी लेने गई थी मैं, कि उनका कल पूर्णिमा के दिन सुहाग को ओटी भरना है, कल अनाज दान होगा। ये जो मसान की शक्ति सिद्ध करते, ये करते, कब कौन सा वीडियो डाला कि किसी को, तुम लोगों ने किसी को अनाज दान किया या किसी को कुछ दान किया? सिर्फ बिगाड़ने आते हो। और एक बात बताओ, ये मैं उसको बोल रही हूँ कि एक तो मैं सुबह, देखो बहुत से बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, हमको मारण क्रिया कराना, ये कराना, जब पैसे की बात आती है तो गांठ फट जाती है। तुमको किसी को बर्बाद भी करना है, तुमको किसी को मारना भी, लेकिन तुमको पैसे खर्च नहीं करने है ना। मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नाम नहीं लूँगी। पैसों का मामला होता है ना, गिफ्ट का मामला, वो हर चीज़ मिलती है, टाइम लगता है। तुम लोग साले 50,000 लाख रुपया देके सोचोगे तुरंत, वो सब चीज़ें नहीं होती है। सब चीज़ हमको देख के करनी पड़ती है। मेरे को वो सब, देखो मैं है ना पूरी वाइट वाली बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ। और ये जो बोलते ना कि अरे तू सबसे पैसा लेके धंधा चलाती है, क्या पैसा लेके गया? यूट्यूब चला रहे हैं, पूजा पाठ का काम कर रहे हैं। हम किसी के पास जाते हैं क्या कि हम तुम्हारे घर तक आ रहे हैं कि भाई आओ मेरे पास पूजा करो? यूट्यूब चला रहे, जिसको भरोसा है, जिसमें दम है, करवाते पूजा। मेरे गांड में, मेरे भोसड़े में, सब में दम है कि मैं मारण मोहन वशीकरण पागल करने का काम कर सकती हूँ। मेरा आज ना 2-3 लोगों ने दिमाग ख़राब किया। मैं ग्रुप में भी अगर कोई मैसेज डालती हूँ ना, कल गुरु पूर्णिमा, इतनी बड़ी पूजा है, बताया गया कि माँ का ओटी भरना करना, लेकिन किसी को कान में झूनी रेंगती है, सब अपने मर्जी से। ये बात जो दिमाग लगाते हो ना, एक बात बताती हूँ, लक्ष्मी अगर तुम्हारे घर तक आ सकती है तो कोई कारण से लक्ष्मी तुम्हारे घर पर आने से रुक भी सकती है। तुम मुझसे नहीं पंगा ले रहे हो, जगत जननी माँ कामाख्या से पंगा ले रहे हो, जगत जननी माँ विंध्यवासिनी से पंगा ले रहे हो, मेरी मांढर देवी काड़ूबाई से पंगा ले रहे हो, माहूरगढ़ की रेणुका माँ से पंगा ले रहे हो, और कुछ नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ रहे हो? जो ये जो करते हो ना हरकत, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आज की बात है, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया सुबह, माता रानी मुझे कोई शक्ति चाहिए। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सुबह से काम में लगी थी। एक तो मैं बार बार मुझे मैसेज कर रहा था, मैं जाप पे बैठी थी, तो मैंने बोला कोई भी शक्ति ले लो। तो उसने कहा कि मुझे कोई अच्छी शक्ति चाहिए। पहले बोलता है छिन्न मस्तिका की शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए। पहली बार जितने लोग भी महाकाल के पुजारी हैं, जो आदेश 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 लिखते हैं, महाकाल की बीवी कौन है? माँ सती हैं, माँ पार्वती हैं। कभी महाकाल ने अपनी बीवी की बेइज्जती किया क्या, देखा क्या? आप लोग को अगर देखो, विद्या देवी कब गलत होती है मालूम है? मैं खुला एक बात बताती हूँ, विद्या देवी तब गलत होती है जब मैं आपसे ज़बरदस्ती करूँ। मेरा काम है, मैं आपके लिए बेस्ट सोचूंगी, आपका काम है। अगर आपको नहीं जम रहा है, आप ना बोल के हटो। अगर मैं फिर भी बोलूँ कि अरे नहीं नहीं करो करो, तो अलग बात है। मैं आपके लिए बेस्ट सोचूंगी, आप ना बोल के हटोगे तो मैं पागल नहीं ज़बरदस्ती पिछड़ूंगी। लेकिन अगर उसकी बात, मैं तो आपसे ज़बरदस्ती करती नहीं हूँ। मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मेकअप पूजे का काम आता है, मैं बोलती हूँ भाई मेरे पास शक्तियाँ हैं, 21,000 है, 50,000 है, लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, सामने वाले को जमता है तो वो करता है। फ्रॉड और ये लूटने का धंधा किसको बोलते हैं मालूम है? जो घर में ये जो मंदिर वंदिर बना के बाबागिरी करते हैं, 50 लोगों की लाइन लगवाते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं, आजकल सब जगह हो गया है जो करते हैं ना, गुजरात गुजरात में ज़्यादा हो गया है। भगवान का करेंगे, मेलडी माँ के नाम पे करेंगे। मेलडी माँ क्या है? जो सच्चा मेलडी माँ का भक्त है ना, एक बार कॉल डाल के तो देखो, डालते हो ना गेहूँ के दाने, बताएंगे मेलडी माँ की विद्या देवी कौन है? विद्या देवी उनकी बेटी है,
समझ रहे हो? तुम जिस माँ की पूजा करते हो वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। हाँ, मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं आज तक अपने भरोसे पे मेरे बच्चे को वो कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा सही सलामत है। बताओ एक बात, तुम लोग महाकाल के पुजारी हो, महाकाल के पुजारी को अघोरी हो के इतना तक नहीं पता है कि अघोरी बनते हो, शक्ति मैं मसान सिद्ध किया हूँ, फलाना ढिकाना, तुमको ये अक्कल नहीं है कि जिस मसान को तुमने सिद्ध किया है तुम एक औरत की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, उसको गाली दे रहे हो। किस बात पे गाली दे रहे हो? सामने वाला मुझसे टाइम पास कर रहा है, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया कि भाई टाइम पास मत कर, रहने दो, क्योंकि हमको टाइम है। क्योंकि मैं मार्केट में थी, मुझे बहुत लोगों ने काम दे रहे थे, मैंने बोला काम दे रहे हो तो जो देना है दो, फटाफट मैं सामान लेके चलूं। एक तो बारिश है बॉम्बे में, ऐसी हालत में चलना मुश्किल होता है। वो आदमी ने मुझे माँ के ऊपर गाली दी। बताओ, तुम जिस माँ की गाली देते हो उसको चोदने जाते हो क्या? जिस माँ की पूजा करते हो उसको चोदने जाते हो क्या? तो विद्या देवी को चोदने के लिए क्यों आते हो? भोसड़ी वाले मादर चोत, तेरी माँ की चुत भोसड़ी के। तुम लोग बोलोगे मेलड़ी माँ मसानी मैंने पूजी, अरे चूती है, मैं मसान की अधिपति हूँ, मसान जगाने आता है मेरे को। अरे शर्म आती है क्या? साले नल्ले दड़गुल्ले साले, तुम लोगों को पता है नामर्द बोला जाता है, हिजड़े हो साले, छक्के हो तेरी माँ की चूत, जो एक औरत से लड़ते हो। पता है जो आदमी औरत से लड़ता है ना, जो आके अपनी मर्दानगी औरत के सामने दिखाता है ना, उसको हम लोग के जात में हिजड़ा बोलते हैं, उसको छक्का बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वही लोग ये काम कर सकते हैं। असली मर्दों को ना कभी औरत से नहीं लड़ेगा। अरे क्या विद्या देवी, क्या पे वो कहते ना, वो खोल के रखी अखाड़ा या पूजे पाठ का ड्रामा करके रखी है, हाँ, कि 10 आदमी बाहर खड़ा कि आओ दर्शन करो, जाओ पैसा चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। विद्या देवी बाकायदा ईमानदारी से अपना यूट्यूब चलाती है, सामने वाला देता है और सामने वाले को मैंने दिया है। ग्रुप वालों में भी देखती हूँ, मैसेज करेंगे, मैसेज का वेट नहीं करेंगे, वो चीज़ करेंगे, हर एक चीज़ खाने के नहीं होती। तुम लोग सारे घर में बैठ के हवा में बात करेंगे, हम लोग को यहाँ दिन भर मरना पड़ता है। स्नेहा को भी कल की वीडियो देख के बहुत गुस्सा आया है, उसने यही कहा है कि माँ मैं कल आपके घर पर आके वीडियो बना के जवाब दूंगी कि मैं पनौती हूँ, मनहूस हूँ, जो भी हो, लेकिन मेरी गांड में इतना दम है कि अगर मैं अपनी मनहूसियत तुम लोग पे डाल दूँ ना तो तुम लोग चारों खाने चित्त हो जाओगे और मैं करके दिखाऊंगी। इतना तो मेरी माता रानी ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि अच्छे अच्छे को हॉस्पिटल पहुँचा सकते हो, अगर हम तुम्हारा बना सकते हैं ना मिनटों में बिगाड़ सकते हैं। हाजिदा को भी मैंने बताया, हाजिदा बोलती है माँ उसको बोलो कि तू मसानी सिद्ध किया है, मेरी माँ मसान जगाना जानती है। अरे हम अगर आपकी पूजे पाठ की इज्जत करते हो तो तुम लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर हाँ मैं जिद करूँ कुछ बोलूँ तो मेरी गलती, भाई मुझे लगा सामने वाला टाइम पास करा, मैं नंबर ब्लॉक कर दिया। बताओ गाली दे रहे, तुम मुझे नहीं देते हो, तुम अपनी माँ को गाली देते हो जिसने तुम्हें कोख से जन्म दिया, समझ रहे हो? मेरा काम है यूट्यूब चलाती हूँ मैं, यूट्यूब एक अपनी आईडी होती है, एक अपना नेट होता है। आज की तारीख में लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे सब वीडियो बना के, कैसी भी फालतू वीडियो कुछ भी बना के अपना नाम कमा रहे। विद्या देवी तो पूजे का काम और जनरल नॉलेज दे रही है, जो मेरे गांड में दम है। यहाँ लोग आते हैं मुझे इसका मारण क्रिया करना, उसका मारण क्रिया करना, अरे पैसे का दम दिखाओ, 15 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं है तो नाम बता रहे, 15 दिन भी छोड़ो तो 7 दिन में रिजल्ट दे सकती हूँ, कामाख्या। और दूसरी बात, कितने लोग मेरा कामाख्या जाने से रास्ता रोक रहे। अरे एक बात बताओ, मैं ऐसी जिद्दी औरत हूँ ना कि मैं घर से सिर्फ 1000 रुपये लेके निकलती हूँ, 1000 रुपये लेके निकलती हूँ और वहाँ पे 1,000,000 रुपये खर्चा करके आती हूँ। इतने मेरी, मैं अपने भरोसे नहीं निकलती हूँ, वो जगत जननी बैठी ना मेरी माता रानी, मेरी माँ विंध्यवासिनी माँ, वो मेरा ख्याल रखती है और मेरे ख्वाजा जी मेरा ख्याल रखती है। कितनी बार बोला है मैंने, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। और मेरी कामाख्या, मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, पागल अघोरियों से ना नड़ो भिड़ो मत, तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ दूंगी मैं। मैंने जिन लोगों का बिगाड़ा ना उनको जाके पूछो आज उनका क्या हाल है, भिखारियों वाला हाल है, ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना पैसे हैं, समझ लो। मौत तो बहुत आसान चीज़ है, मेरे पास मेरे लिए वशीकरण सब नॉर्मली बात है, बहुत सारे जनों का करके दिया है, लेकिन क्या है आदमी को पूरा पका पकाया खाना खाने को चाहिए। अरे बोलते मारण क्रिया करो, ये करो वो करो, तुम मुझे बोलोगे इसका मारण क्रिया करना है तो मैं बोलूँगी हाँ करना है, लो सुल्तान जिन करके दे तो 7 दिन में लाओ 1,00,000 रुपया, तो सीधी बात है ना, तुम बोलोगे तो मैं बोलूँगी ना, तो इसमें डर किस बात का, डराते क्या हो, तेरी बैंड बजा दूंगा, तुझे बताऊँगा, मुझे क्या दिखाएगा, अपनी औरत को जाके दिखा, पहले अपनी औरत को तो पूछ तुझसे खुश है कि नहीं है, हाँ, कहीं ऐसा ना हो नाम बड़े और दर्शन छोटे, तेरी औरत ही तुझे भगा देगी।
चूतिए साले जाता है दूसरी औरत के सामने दिखाने को भड़वा, पहले मेरे सामने तो खुश कर दे, मुझे तो खुश कर दे, ये बात है, पहले तो जिसको उसको खुश कर दे। और एक और बात, तीन चार लोग ना मेरे दिमाग में लगे हैं, कुछ अपने ही हैं कुछ दिमाग में लगे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मेरा यात्रा जाने से रुकावट आए। देखो उसका बुलावा आता है ना, माता रानी का बुलावा, तो कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बच्चा हो जाएगा तो मैं कामाख्या बच्चा होने के बाद धूमधाम से नाचते गाते जाऊँगी, और थोड़ा सा टाइम बचा है तो कामाख्या जाके आऊँगी। लेकिन मेरा रास्ता रोकने की ताकत सी मेरे भगवान में है, किसी में नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, मैं सच्चे दिल से माँ की भक्ति करती हूँ। मैंने कभी माँ से अपने लिए पैसा, गहना, कपड़ा नहीं मांगा। मैंने उनसे क्या बोला, माँ मुझे इतना दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। ये तुम लोग जो मसाने सिद्ध करते हो, ये सिद्ध करते हो, ये हूँ मैं, फलाना हूँ मैं, ढेकाना हूँ मैं बोलती हूँ लोगों के लिए क्या किया, मुझे एक काम बताओ। लॉकडाउन जैसे टाइम पे साले तुम भी डर के बैठे थे सबसे कि भाई हमको कोरोना हो जाए। मेरे घर में तो उस वक्त भी काम वाली थी, काम वाली के बच्चे खाना खाते थे सबको, मेरे घर पे अनाज बांटता था, मेरे गोराई में मैंने अनाज बांटा है, आज भी अनाज बांटती हूँ, हमेशा दान करती हूँ। इस बात पे मेरा पूरे बोरीवली गोराई में नाम सिद्ध। और क्या किसको आने का है मेरे पास, किसकी गांड में दम है, क्या डरती है क्या विद्या देवी? बोरीवली गोराई में रहती हूँ, जिसके गांड में दम है आके बताओ, उसके बाद मुझे क्या करना है मैं करके बताऊँगी, समझ रहे हो? ऐसे मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ कि कोई भी लल्लू पंजू मेरे घर तक आके मुझे बोल के सुना के चला जाएगा और मैं छोड़ दूँगी, ये बात याद रखना। काम आप देते हो, सबको बोलती हूँ मैं, काम आप देते हो, पैसे आप देते हो, इस बात में ना कानून भी बीच में नहीं आता है। कितना भी बड़ा कानून होने दो, कानून यही बोलेगा वो मांगी तो आपने दिया ना, आपने क्यों दिया, ये बात याद रखना, पूरी बात बता रही हूँ मैं। बोलेंगे घर पे रंगे, घर पे दिया क्या कैश, ये क्या क्या, तो भी मैं तो तुम लोग से वाइट में लेती हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि तुमने मुझे दिया तो मैं तुमको देती हूँ। बाई चांस जिसका काम नहीं मैंने दिया है, मैं कभी भी पूजे का पैसा भी नहीं काटती हूँ। अभी जो लेडीज़ ने अपने जेठानी का बच्चा गिराने जा रही थी, वो लेडीज़ अभी आज बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं, आपने बोला था ऐसा बोला था। बताओ अगर अभी मैं उस औरत का नाम ले लूँ, मेरे पास फ़ोटो है उसकी, अगर मैं उसकी पूरी डिटेल्स दे, तो मेरी माता रानी ने रोका मुझे, वो औरत आज बच्चा देख के उसका मन बदल गया। उसकी जेठानी को पता है कि उस औरत ने उसकी जेठानी पे नाम डाला था कि मैं भी प्रेग्नेंट थी, इसने मेरे बच्चे को गिराया, और उसके बाद इसने ये तक कहा था कि बच्चा होने के बाद 12 दिन में बच्चे को मार दो। वो तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने मन बदल दिया, बताओ। और आज इतनी मैंने तो मेहनत की नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उसके लिए 1 रुपये की मेहनत, मैंने उसको बोला तेरा पैसा कामाख्या से आने के बाद मैं दूँगी, क्योंकि अभी नहीं, जब तुम लोग काम करो तो, लेकिन तेरी को सज़ा भी पूरी दूंगी, सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी उसको। देखो तुम दूसरों का बच्चा छीनते हो ना, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, तब तुमको बात पता चलेगी, ये बात है। मैं बोल दूँ सामने वाला अगर गलत है तो क्या हम भी गलत है? अभी आज माया मैडम मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है, मेरे बच्चे को मारना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसके बच्चे को मार दूँ? बिल्कुल नहीं, क्यों मारूँ मैं, वो जैसी मैं वैसी थोड़ी बनूँगी, ये गलत बात है। माया मैडम का तो आज हुआ हाल, हाँ, लेकिन ये है कि माया मैडम को भी नहीं छोड़ते, लेकिन बच्चे तक नहीं आते, बच्चे तक आज तक किसी के नहीं आए, मैंने कभी बच्चे के लिए कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई। बच्चों को पैदा करना बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता है, आप लोग जैसा सोचते हो वैसे नहीं होता है, मारना करना भगवान के हाथ में। बाकी जहाँ तक रही मारण मोहन वशीकरण ना, विद्या देवी के बाएँ हाथ का खेल है, तुम्हारे अंदर दम है ना, करवा के बताओ काम, नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना, बड़ी बड़ी बात नहीं हाँकने का, समझ रहे हो मेरे सामने। और जो दो चार लोग मेरे दिमाग पे लगे ना कि मुझे खर्चे में डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, सोचेंगे जा नहीं पाएगी, मुझे पैसों की चिंता नहीं है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है। आज तक जो भी मेरे साथ जुड़ा है रहा है ना, वो आगे बढ़ा है। जो मुझे देख के जलता है ना कि ये कैसे पहनती ओढ़ती करती है, मैं नहीं करती हूँ, देने वाली वो है, लेने वाली मैं हूँ, देने वाला हाथ उसका है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आज जब से मैं यूट्यूब पे जुड़ी हूँ, मुझे कभी उन्होंने पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनने दिया है, वो मर्जी है, किसी का नसीब कोई नहीं चुरा सकता है। लेकिन एक बात है, लोगों ने मेरे दिमाग में दस्तक दी है, मैं इतनी बात पक्की है, मैं तो कामाख्या जाके रहूँगी, लेकिन कामाख्या जाने के बाद ये लिख के लेना, ये जो दो चार लोग मेरे दिमाग में चढ़े हुए हैं ना, अचानक से उनके साथ क्या होगा बस वो देखना, मैं बताऊँगी नहीं कि क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कामाख्या एक जागृत देवस्थान है। अच्छे खासे इंसान को पागल बनाना, अच्छे मैं ऐसा तक कर सकती हूँ ना कि आदमी
करोड़पति आदमी अपना घर परिवार पैसा सब छोड़ के पागल होकर रास्ते पे भीख मांगेगा, रोड का गटर का कचरा उठा के खाएगा, इतना मेरे में दम है। मैंने किया है 2 साल पहले, मैंने किया है, अच्छे खासे लोगों को रोड पे दौड़ाया है, दड़गुल्ले से सब कुछ करवाया है, दड़गुल्ले लोग के पीछे पागल हो गए थे, ये बात है। पागल में गिनती मत करो, मेरे पास जागृत शक्ति है, और जो शक्ति मेरे पास है ना किसी के पास नहीं। मेलड़ी माँ की शक्ति बोलते हो, मेलड़ी माँ को तो कोई नहीं, सिर्फ धूप दीप अगरबत्ती लेके मन में याद करो। मैंने आज मन में बोला, माँ ये कौन है जो तेरा नाम लेके, तेरे नाम से सबको प्रचार दे रहा है, तेरा नाम लेके मुझे गाली दे रहा है। तो माँ ने एक ही बात बोला, 72 घंटा वेट कर, 72 घंटे में मैं उसको बताऊँगी मेरा नाम लेके गलती किया ना, देख उसको मेलड़ी कैसे परेशान करेगी। देखो जिसने गलती की है ना, आज से अभी से उसकी सारी शक्ति छिन। और दूसरी बात, ये जो गुरु पूर्णिमा में जो मैं दे रही हूँ ना, मेरे लिए कोई बात बड़ी बात नहीं, ये भगवान देता है और मैं दे रही हूँ। मेरे ग्रुप वालों को भी मैंने सबको किया, लेकिन जो भरोसा नहीं करते ना उनकी गलती उनकी। मैं सब कुछ सही अपने तरीके से करूँगी, मुझे जो सही लगेगा उस तरीके से करूँगी, मैं सबके हिसाब से नहीं चलूँगी, सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, चलना है तो चलो नहीं तो बैठो, बस बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे दिमाग पे नहीं लगने का, ये बात है। ये जो सब बात करते हैं ना, मेरे में बहुत दम है सबको देने का करने का, लेकिन मैं सोच समझ के करती हूँ। साला भी मैं सबको 50 लाख 25 लाख पहुँचा दूँ, उसके अकाउंट में उनकी एंट्री नहीं है, और पता चला कल बोलेगा अरे हमको तो क्या पता था, हमने तो विद्या देवी को दिया, हमने दिया। मेरे में दम है, मैं बराबर दूँगी, और बहुत सारे लोगों को पहुँच चुका है, जो लोग को पहुँचा है उनको पता है। अरे जो ग्रुप वाले गुरु पूर्णिमा पे गुरु को गुरु पूजन के लिए पैसे नहीं दे सकते, वो दुनिया में क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा है, माँ लक्ष्मी भी राजा के घर में बास करती है, निर्धन के घर में बास नहीं करती, क्योंकि वो जानती है निर्धन के घर पे जाऊँगी तो निर्धन सारा कुछ अपने ऊपर ही खा के बिटा बैठेगा, राजा के घर में जाऊँगी तो बांटेगा। विद्या देवी ने सिर्फ और सिर्फ बांटना सीखा है, अकेले खाना कभी नहीं सीखा है, ये बात याद है। और देख लेना 72 घंटा, और जैसे ही मैं कामाख्या निकलूँगी रोक सको रोक लो, जो जो लोग रोक रहे हैं उसको मैं नहीं, मांडर के काड़ के भी धावजी पाटिल देखेंगे। और ये याद रखना, सिर्फ धावजी पाटिल देखेंगे नहीं, तुम सबकी बैंड बजाएंगे। जब तक तुम्हारे घर का कोई सगा तुम्हारे घर का कोई अपना ऊपर नहीं पहुँचेगा ना, तब तुम सबको अक्कल नहीं आएगा। मारण क्रिया क्या होती विद्या देवी दिखाएगी, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के अंदर मैं उन सबको सबक नहीं सिखाऊंगी, उन सबकी मेन खुशियाँ छीनूंगी, और जब खुशियाँ छीनेगी ना तब पता चलेगा कि विद्या देवी कौन और क्या है। मुझसे अच्छे बन के रहोगे ना तो बहुत अच्छी हूँ मैं, और मेरे पीछे पड़ने को देखोगे ना महाकाल का रूप हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं, खा जाऊँगी मैं, ये बात याद रखना। और ये मेलड़ी माँ का ये सब का समसानी माँ का नाम लेके कभी भी ना झूठा दो नहीं करना, क्योंकि वो भी माँ है मैं भी माँ हूँ, वो भी माँ है मैं भी माँ। अगर तू मुझे गाली दे रहा है तो मुझे नहीं, जिसकी पूजा कर रहा है तो उसको गाली दे रहा है, तू उसको चोदने की बात कर रहा है, ये बात समझ ले, ये याद रखना। क्यों, जो भगवान का पूजा करते वो माँ अलग है और हम अलग हैं, औरत तो सब एक ही है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। जिस माँ के कोख से निकला है वो भी तो औरत है ना, तो तू सबको चोदने की बात कर रहा है, तो तेरे जैसे आदमी को तो नपुंसक बनाना चाहिए। तो मैंने कर दिया काम चालू, जिसने भी ये बात कही है देखो उसको मैं क्या कर दूँ, मज़ा देखो बस। जय माता दी।